और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज किसान आंदोलन का 28वां दिन है और आज देश भर में यहां पर किसान दिवस मनाया जाएगा। कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल आज भी जारी। 25 से 27 दिसंबर को हरियाणा में टोल फी कराने का ऐलान। आज देश भर में मनाया जा रहा है किसान दिवस। और ये 28 तस्वीरें देखिए जी हिंदुस्तान की महाकवरेज की 28 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो से हमने आपको सुनाया किसानों की आवाज हमने उठाई। और आप देखिए इसकी ये तस्वीरें, 28 अलग अलग दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आज भी आंदोलन जारी है। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसान दिवस पर क्या अन्नदाता मानेगा। और ये चार तस्वीर और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार हम किसानों की आवाज बने, उनकी आवाज उठाई और कोशिश ये भी रही कि जो गतिरोध है वो खत्म हो, संवाद स्थापित हो अन्नदाता के बीच में और सरकार के बीच में। तो आज किसान आंदोलन का 28वां दिन है, आज देश भर में मनाया जाएगा किसान दिवस। तो किसानों की भूख हड़ताल आज भी जारी रहेगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और लगातार किसान आंदोलन की हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आज किसान दिवस भी है और किसान भूख हड़ताल पर भी है, क्या स्थिति है आज? बिल्कुल रमन, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसा अभी तक चलता आया है पूरा आंदोलन किसानों का, ठीक उसी तरीके से आज भी रूपरेखा है। लेकिन आज किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन के साथ साथ किसान दिवस भी मना रहे हैं वहाँ पर किसान, तो उन्हीं से जानते हैं कि आज क्या खास रहने वाला है। आप बताइए, आज किसान दिवस भी आप लोग मना रहे हैं, आप बताइए आज आंदोलन में क्या देखने को मिलेगा? बात यह है, जो बीजेपी का मैनोफेस्टो है ये अपने को तो भूल गए। नए काले कानून किसान के लिए ले आए, ये किसान को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं देने वाले हैं। अब लगता यह है या तो मोदी जी को सद्बुद्धि दे भगवान। नहीं, लेकिन आज दिन भी अच्छा है तो कुछ अच्छा सुलह की तो बात होनी चाहिए ना। बात होनी चाहिए, आए तो हमारे बीच, हम तो तैयार हैं। अब है तो कोई सुलह करने, हम इनके घर थोड़ी ना जाएंगे। अनुराग बिल्कुल, देखिए लगातार 28 दिन से हम गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात है और लगातार 28 दिन से किसान यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं मानेंगे। और एक बात बताइए, हमने देखा मुरादाबाद, रामपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर तमाम जगहों से भारी संख्या में जत्था कल रात भी पहुंचा है, तो एक बात बताइए अब इस आंदोलन का स्वरूप और क्या होने वाला है? मैडम ऐसा है, सरकार को हमारी बातें मान लेनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन अभी तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और 26 जनवरी को जो आंदोलन हमारा तय करा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसको 26 जनवरी को दिल्ली को झंडा हमें फहराना है। 25 तारीख को अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री संवाद भी करने वाले, किसानों से हल निकलेगा? अभी तो प्रधानमंत्री बताएंगे हल निकलेगा ना निकलेगा, हम क्या बताएं इसमें। तो देखिए अनुराग, देखिए बात बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं हो रहे। रमन, हम लोग लगातार 28 दिन से यही दिखा रहे हैं अनुराग, और देखिए यहाँ पे जो महफिल जमती है किसानों की, बिल्कुल गांव जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। सर आप बताइए, बाबा आप तो 28 दिन से लगातार यहाँ पर है, आज इतना अच्छा दिन है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और जिस जयंती पर आप लोग एक समय का उपवास भी रखने वाले, सुनने में एक समय का खाना नहीं बनेगा? खाना तो खा लो ना खा लो, मनु तो हो, मन सही होना चाहिए। मन तो माने तो गंगा जल है, नहीं बहता पानी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और गंगा की सौगंध खावे, गंगा तो 88,000 वर्ष तपस्या करी भगीरथ ने जी भाई, गंगा माँ बहुत बड़ी चीज है, उसकी भी सौगंध खावे। बिल्कुल मैं समझ गई। और देखिए यहाँ पे मैं और अनुराग लगातार गाजीपुर से आपको हर तस्वीर दिखा रहे, तब तक सिंगू बॉर्डर पर सुमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, ओवर टू यू, सिंगू बॉर्डर पर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल हर्षा, तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूं कि सिंघू बॉर्डर पर कीर्तन शुरू हो गया है और यहां किसान आंदोलन का 28वां दिन यहां भी है और यहां तमाम किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं और शरद भरी भरी सुबह है और यहां तमाम किसान जो हैं यहां जुट गए हैं, धीरे धीरे कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अगर हम आपको बताएं तो यहां आज किसान दिवस भी मनाया जा रहा है और किसानों की अपील है कि कम से कम एक वक्त का जो आज लोग उपवास रखे, उनके समर्थन में एक तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में लोग आए। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो बेहद अहम आज का दिन रहने वाला है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की आज करीब 12 बजे बैठक होने वाली है जिसमें यह तय किया जाएगा कि
जिस तरह से सरकार ने प्रस्ताव बातचीत के लिए भेजा है उसमें क्या जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव बातचीत के लिए जो भेजा है उसमें किसानों से ही सरकार ने कहा है कि आप समय तय कीजिए और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो किसानों का कहना है बैठक तो हम कर लेंगे और हम ये भी तय कर लेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है, लेकिन ये सरकार को तय करना है कि ये बैठक की तारीख आखिरकार कब हो, समय कब हो, ये सरकार ही तय करे, किसान तय नहीं करेगा। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर लगातार 2400 घंटे किस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की किस तरह से तैनाती की गई है। तो हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल की भी तैनाती है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर पिछले 28 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो चल रहा है किसानों का। कुछ किसान है उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि आज बेहद अहम दिन इस लिहाज से है क्योंकि खासकर किसान दिवस मना रहे हैं। कि आप लोग किसान दिवस आज मनाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है? किसान दिवस में ऐसा है कि लाखों किसान हैं, हमको उनको अपील करेंगे कि आज एक किसान दिवस है तो दोपहरी का खाना मत खाएं। लेकिन देखो ये खाएं तो आप टीवी वाले कह दो कि ये तो खा रहे हैं, लाखों किसानों के ऊपर कंट्रोल नहीं हम कर सकते, लेकिन अपील हम कर देंगे। तो अनशन का आज तीसरा दिन भी है और कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है और आप लोगों की बैठक होनी है दोपहर 12 बजे, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति यही है कि मतलब अनशन तो चल ही रहा है, लेकिन ये बैठक जो मोदी जी कर रहे हैं मैं तो ये कहता हूँ कि सकारात्मक उसमें से निकालें, या तो अपने मंत्रियों को कोई पावर दें, जहाँ मंत्रियों को पावर दें तो लगता है कि बीच का रास्ता कुछ निकलेगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है एक तरफ और दूसरी बैठक आप लोग की भी है। देखिए जो हमारे संगठनों की बैठक है उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि हमने उनके बुलावे को, जो उन्होंने हमें लेटर दिया है, बुलाया है दोबारा से, वहां जाना है कि नहीं जाना है। पहले सरकार ये तो डिसाइड करे कि आगे से बातचीत करने के लिए आ कौन रहा है, क्योंकि उससे पहले गृह मंत्री आ चुके, तो गृह मंत्री के ऊपर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों में से कौन आएगा, राष्ट्रपति आएगा, कौन आएगा, ये कहना है। सबसे अहम बात है कि मंत्रियों से अब बात नहीं होगी, अब बात होगी तो पीएम मोदी से बात होगी, ये तमाम किसानों का कहना है। गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, वहाँ अनुराग और हर्षा हैं, क्या वहाँ की भी स्थिति है क्या, कि वहाँ भी क्या लोग किसान कह रहे हैं कि अब सीधे पीएम मोदी से बात होगी? हर्षा ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए सुमित, कल राकेश टिके से हमने यही बात करने की कोशिश की थी, अनुराग क्यों नहीं आज किसानों के बीच ही चलते, क्योंकि पीछे देखिए पूरा हुक्का है, सुबह का वक्त है, थोड़ा हल्की हल्की धूप भी निकलने लगी है, सारे किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग भी है, सब किसान लोग मौजूद है। अनुराग आप ही क्यों नहीं रिएक्शन लेते, क्योंकि बात हो रही है कि अब सीधे किसान प्रधानमंत्री से बात करेगा, अब बाबा से पूछिए। हमारे 3 बिलियन में भी अपने वापस ले लें, हमारी तो मानी मुई कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी जब टिकट साफ कह देंगे वही बात हम मानेंगे। माइक से आवाज नहीं आ रही है जी। बिल्कुल देखिए अनुराग आप कुछ पूछ रहे थे, अब आप जवाब दीजिए क्या कह रहे थे। जी हम ये कह रहे थे कि जो 3 बिलियन यहाँ वापस ले लेने, और जो हमारे टिकट साफ की राजी रह जाएंगे वही बात में हम सब सहमत हैं। बिल्कुल देखिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि अब हर जगह से डिमांड उठ रही है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से नीचे किसी से बात नहीं की जाएगी, क्या ऐसा ही है? 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, देश के प्रधानमंत्री आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जी हिंदुस्तान पर, सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, किसान आंदोलन पर चर्चा संभव, कैबिनेट की बैठक से पहले CCS की बैठक होगी। तो सरकार कोशिश कर रही है कि ये गतिरोध खत्म हो, संवाद स्थापित हो, और इसीलिए ये मंथन होगा, कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले CCS की बैठक होगी। बिल्कुल, तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं अनुराग, आज की जो बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है, आप किसानों से बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल दीपिका, आज की जो बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि यह आंदोलन आगे ना बढ़े, किसानों से ही जानते हैं, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार ये कह रही है कि हम तमाम बैठकें कर रहे हैं, तमाम वहां पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, अब एक नई बैठक भी होने वाली है, केंद्र सरकार अपने ओर से बैठक करेगी ताकि किसानों की समस्याएं दूर हों, उम्मीद यही है। देखो केंद्र सरकार को लगता कि किसानों के बारे में सोचते, पिछले 28 दिनों से किसान बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जून ही रहेंगी और नेताओं का जून ही रहेंगी, और जहाँ तक उम्मीद है जब तक दाब नहीं पड़ेगी और तब तक रस नहीं निकलेगा, ये लोग ऐसे। अनुराग
हमें सीधे सिंघू बॉर्डर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे सहयोगी सुमित है। सुमित, 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। सुमित, वहाँ पे किसान नेता बैठकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गहमा गहमी सबसे ज्यादा है। सुमित, ओवर टू यू। बिल्कुल हर्षा, देखिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि आंदोलन का 28वां दिन है और 2 बैठक अहम होने वाली है। पहली बैठक 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और 12 बजे किसानों की बैठक है। उसमें किसानों को तय करना है कि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, क्या उस प्रस्ताव को मंजूर करना है या नहीं करना है, उस पर बात बनेगी। देखिए, जो 10:30 बजे जो बैठक होने वाली है सरकार की, उस पर किसानों की प्रतिक्रिया लेते हैं कि किसान क्या कहते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक होने वाली है 10:30 बजे और 12 बजे आप लोग बैठक करने वाले हैं। लगता है क्या दोनों बैठकों में बात बन पाएगी? बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। देश हित में है, मानव हित में है, समाज हित में है, दुनिया हित में है। मांग के चलते ना कि मान के आप चलते हैं कि बातचीत से ही निकलेगा रास्ता? तीनों काला कानून वापस लेना होगा, ईवीएम मशीन भी हटाना होगा। खबर आ रही है, ये बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से, जहां पर सिंघू बॉर्डर के जो किसान संगठनों का एक बहुत बड़ा ऐलान है। रमन, बिल्कुल, 26 से 27 जनवरी को दूसरे देशों में प्रदर्शन, किसान दूसरे देशों में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 25 से 26 दिसंबर को टोल टैक्स नहीं देने का ऐलान। आज एक वक्त का उपवास रखेगा किसानों का परिवार। बिल्कुल, तो देखिए लगातार दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आज भी एक वक्त का उपवास रखने की कोशिश की जाएगी और किसानों का परिवार, उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज हम सिर्फ एक वक्त का खाना खाएंगे। तो देखिए, अपनी नाराजगी जाहिर करने का अलग अलग तरीका अपना रहे। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी सुमित वहां से बने हुए। सुमित, सिंघू बॉर्डर से किसान संगठनों ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटेजी साफ है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव सरकार पर बनाया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर को पंजाब से हजारों की संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, टिकरी बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। और रणनीति साफ है कि मांगे हमारी पूरी कीजिए, अगर मांग आप नहीं पूरी करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सरकार पर इसी तरह से दबाव बनाएंगे और सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसानों का, यहां के किसानों का सीधे तौर पर कहना है, डे वन से कहना है कि आप यस या नो में जवाब दीजिए, हम बीच का रास्ता नहीं अपनाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन किसानों का यहाँ सीधे तौर पर कहना है कि हमारी मांग जो है वो 3 कानूनों को रद्द करना है, ना कि बीच का रास्ता। तो सबसे अहम बात है कि 25 दिसंबर को पंजाब से तमाम किसान यहां पहुंचेंगे, चलेंगे और 27 दिसंबर को यहां पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 25 और 26 दिसंबर को हरियाणा के जो तमाम टोल हैं उनको एक बार फिर से फ्री किया जाएगा। तो यहां सीधे तौर पर यही बात है कि आज 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, उसमें क्या बात बनती है सरकार की ओर से, उसमें सरकार क्या कुछ रणनीति तय करती है, वो देखना बेहद अहम होगा। और दूसरी तरफ जो 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक होने वाली है, उसमें किसानों की ओर से तय किया जाएगा कि जो सरकार ने जो न्योता दिया है, उस न्योता पर क्या कुछ करना है, क्या बैठक में जाना है या नहीं जाना है, यह देखना बेहद अहम होगा। तो निश्चित तौर पर 12 बजे की जो बैठक है वो भी अहम है और केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है 10:30 बजे वो भी बेहद अहम है। हर्षा, जी बिल्कुल, देखिए हम गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हैं और देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आपको 28 दिन से लगातार क्या मंजर है गाजीपुर बॉर्डर का। हर तरफ आप किसान देख रहे हैं, हर तरफ मौजूदा स्थिति तो किसानों के आंदोलन में, हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे, किसानों के जत्थे नजर आएंगे, लंगर का पूरा सामान नजर आएगा और यही तस्वीर अनुराग पिछले 28 दिन से हम लोग को देखने को मिल रही है। और देखिए सुबह का वक्त है, राकेश टिकैची भी यहाँ पे, हम पहुंच चुके हैं उनके पास, क्योंकि देखिए लगातार होगा क्या उसके बारे में सही स्थिति जो है राकेश टिकैती बताएंगे। और देखिए अभी थोड़ी देर में हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसानों का जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमने वहाँ पर जब किसानों से बात कर रहे थे तो वहाँ पर किसान कह रहे थे कि राकेश टिकैती जो कहेंगे उसके आगे हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और वो बैठक के बाद हर्षा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि किसानों का रुख क्या होता है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है कि किसानों को बना लिया जाए, क्योंकि किसान लंबे समय से यहाँ पर डटे हुए हैं।
किसी को दिक्कत हो तो भेजियो, बात करेंगे। तो आज के बाद क्या उम्मीद करें, कब तक मीटिंग हो जाएगी? 5 बजे तक। मीटिंग के बाद क्या आप लोग कब तक सरकार से मिलने का प्लान कर रहे हैं? मिलने का भी करेंगे, तय जाना है या नहीं जाना है, किस कंडीशन पे जाना है, बात करेंगे। अगर बात में कुछ समाधान ये निकलता है, आवाज कम आ रही है, उस कंडीशन में आंदोलन की क्या रुकी? आंदोलन क्या कहीं जा रहा, आंदोलन तो यही रहेगा, और बड़ा होगा। जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हैं, अपने स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और आप आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की किसानों की तैयारी है, बातचीत है, टोल फ्री करने की बात की गई है, सिंगू बॉर्डर पर और ज्यादा किसान यहां पहुंचने वाले हैं। तो ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जी हिंदुस्तान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर से अपडेट करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, सरकार की तरफ से भी 10:30 बजे जो बैठक होने वाली है, नहीं नहीं तो नहीं, मैं किसी को नहीं डरा रही, देखिए मेरा मेरा फर्ज है, आपसे छोटी है, लाइव भी है, लाइव भी है, राकेश जी, राकेश जी, आपसे छोटी है राकेश जी, राकेश जी, देखिए हमारे पास हमारे साथ 15 मिनट है, राकेश जी कोई किसी से नहीं डर रहा, कोई किसी से नहीं डर रहा, राकेश जी ये तो डरा दी ना आपने, मैंने किसी को नहीं डराई, मैंने किसी को नहीं डराया, जबरदस्ती चैनल पे भाई उनका भी लाइव चल रहा, आपका भी चल रहा, आप अपना उनके चैनल पे कराना, राकेश बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी आज, और बैठक तो होना चाहिए ना, इतना किसान यहाँ पर आ रहा है तो बैठक नहीं होगी, किसान इतना कमजोर है, ऐसे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग इधर मूव कर लेते, राकेश जी से बातचीत होती रहेगी, राकेश जी आप, राकेश जी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार हर बैठकों में सिर्फ किसानों के मुद्दे को इतनी चर्चा हो रही है, नहीं हो नहीं रही, बाहर आ नहीं रही खबरें, कुछ नहीं अनौपचारिक रूप से कुछ तो पता चलता ही होगा आपको ना, वहाँ की खबर आती नहीं अंदर, लेकिन सरकार तो खुले मन से कह रही है कि हम लोग हर तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं। हाँ तो हम भी तो चाह रहे हैं कि सरकार खड़े हो साथ में, आई नहीं आता पता लेने नहीं आई। राकेश जी आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, आज पूरे दिन यहाँ क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह यहाँ पे पूरे दिन भूमिका बनाई जाएगी? यहाँ रहेंगे लोग, यहाँ पे रुकेंगे लोग, देखेंगे यहाँ पे, हमन करेंगे, सब अपना बातचीत कर रहे हैं, कैसे आंदोलन को आगे शांति से बढ़ा जाएगा। तो आज आज के दिन उम्मीद है आपको, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, आज कम से कम सरकार सोचेगी आपके बारे में, कुछ अच्छी खबर सोचना चाहिए चौधरी चरण सिंह की, प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए आज वहाँ पे। आज लेकिन किसानों को किसान घाट पे जाने के लिए तो मना कर दिया सरकार ने, अनुमति ही नहीं दी जाने के लिए, अनुमति नहीं दी, क्यों ऐसा क्यों, जब जाना होता है इनको किसी घाट पे तो जाते हैं, लेकिन किसानों को आज मंजूरी नहीं दी, ना आज मंजूरी नहीं दी किसानों को, मैंने कर दिया। तो एक किस तरह से देखते हैं आप उनकी इस चीज को, कि आप बताइए, किसान अपने किसान मसीहा के घाट पर जाना चाहते थे, वहाँ पर यही तो पाबंदी सरकार लगाती है, यही तो देख रहे हैं, इसी का तो विरोध है हम, कि हम किसान घाट नहीं जा सकते, हम तो अपने पूर्वजों की समाधि पर नहीं जा सकते, तो ये तो आज तो किसान दिवस है उनको, तो इसे लेकर टिकैत साहब आप कोई बदलाव करेंगे अपने प्रदर्शन में, किसी तरीके से कोई मैसेज देना चाहेंगे? बदलाव कुछ नहीं, हमारा शांति से ऐसे ही चलता रहे। राकेश देखिए सुबह से आप आए, मैंने आपसे पूछना ही भूल गई, गुड मॉर्निंग तो मैंने कर दिया लेकिन पूछना भूल गई, आपने सुबह की चाय पी की नहीं, पकौड़े खाए की नहीं, कुछ खाया पिया है की नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी आप उपवास पे तो नहीं है? नहीं नहीं उपवास पे, लेकिन किसानों के उपवास की बात कही जा रही है। नहीं किसान 11 लोग उपवास पर रहेंगे जी, और कुछ ये कहा है कि देश की जनता से कि आगे 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 आप लोगों की रणनीति क्या है, कैसे कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? एक दिन का उपवास रखें, एक टाइम का भोजन ना करें, ये राकेश जी आप पूरे देश से, राकेश जी आप पूरे देश से अपील की, ये जो पंडित जी हैं ये जा रहे हैं, ये अमन के लिए जा रहे हैं, पंडित जी बुलाइए बुलाइए, ये अमन के लिए जा रहे हैं, पंडित जी को बुलाइए, आइए पंडित जी, जा रहे नहीं वहाँ, इनका वेट कर रहे हैं पंडित जी, जहाँ हवन होगा चौधरी चरण सिंह जी का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। किस बात का ये? बस ये आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये किसान भाई सभी लोग चाह रहे हैं कि कुछ आहुतियाँ दें। कहते हैं भारत देश में पूजा प्रतिष्ठान का बहुत मायना है और बहुत ताकत भी होती है, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल ये पूर्ण विश्वास है कि जिसलिए ये सब लोग एकत्रित हुए हैं, इन्हें इन जिस उद्देश्य से आए हैं, इनका उद्देश्य पूर्ण होगा और प्रभु की कृपा से इनका समर्थन पूर्ण रूप से सरकार करेगी और इनका जो उद्देश्य है। राकेश जी पूजा पाठ से आपको कितनी उम्मीद लग रही है सरकार की? पूजा पाठ से तो उम्मीद हो, ये देश जो है वो ऋषि और कृषि पे आधारित देश है। चलो पंडित जी आप करो आ रहे बस। राकेश जी एक और बात, जब मैं शुरू में आई थी आंदोलन के पहले दिन, तब यहाँ पे मुख्य रूप से 50 के अराउंड ट्रॉली ट्रैक्टर रही होंगी, लेकिन अब यहाँ जिस भी तरफ देखो लगता है ऐसे 200-250 ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई है, यानी कि हर दिन आपका उद्देश्य यही कि हर दिन जो है संख्या बढ़े, लोग बढ़े। ना ना हमने नहीं कहा लोग बढ़े, हमने तो शांति से अपना
गेहूँ बोलो और दिल्ली पर निगाह रखो, लेकिन दिल्ली की तरफ कूच करो, ये भी आपने कहा था, आपने संदेश दिया था, कल ही दिया था आपने। अभी आ गए, ये देखो, ये अपने गेहूँ का खेत की बुआई करके आ गए, गेहूँ की इसने बुआई कर ली, अपना खेत का फार्म से बुआई करके, और ये आ गए। पहले पूछिए तो बुआई करके आया भी है, पता है ना, मैं जानता हूँ इनको, 6 महीने के लिए आ गए, ये सब आ गए हैं, इनको सब पता है, आप पूछो। नहीं नहीं आप ही पूछिए, आप बता दीजिए पानी कब डालता है, खाद कब डालता है, कितना बीज डालता है, ये उसको मास्टर को ढूंढने आए हैं। अच्छा। लागत इनकी बढ़ेगी फार्म की, बीज महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, और जो इन्होंने फसल बेची वो आधे रेट में बिकी, और आमदनी दुगुनी होगी। उस मास्टर की तलाश करना है कि वो जो गणित का मास्टर है वो कहाँ है, मिला, जिसके लिए समर्थन वाले किसान बैठे थे, जिसके लिए समर्थन वाले, ये उनको भी ढूंढ रहे जो समर्थन कर रहे थे। हम एड्रेस दे देंगे, मेरठ से निकले थे, ठीक है, अब लंगर चखो, नहाओ दो, आगे सब आगे, ये जाएंगे नहीं 6 महीने के लिए आगे। यानी कि राकेश जी, जब राकेश जी आप 6 महीने कहते हैं, तब तक मुझे लगता है कि आप मान के चलते हैं कि 6 महीने तक समाधान नहीं निकलेगा। हाँ यही है, ऐसे एक लाइन में नहीं चलेगा, फिर हर बार बोलती हूँ, थोड़ा विस्तार में बताना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता आप एक लाइन में बोलते हैं, आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। विस्तार से ये है कि पूरी तैयारी के साथ बिस्तर आगे, सर्दी है ना, तो वो देखो तो बिस्तर आगे, बड़े बड़े बिस्तर, बड़े बड़े, यानी कि और लोगों की तैयारी अभी से हो, हाँ होगी होगी। मेरे सवाल का जवाब विस्तार से, सरकार पाबंद कर सकती है ना, राशन को पाबंद करेगी सरकार, देश में लॉकडाउन लगा सकती है, एक और बता रहे कि नहीं कोई वायरस आया है, तो उससे ये कर सकता है कि फिर दोबारा लॉकडाउन हो जाए तो अपना स्टॉक रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, आपने अपील भी की थी देशवासियों से, क्या अपील कर रहे हैं आज आप? तो एक टाइम का उपवास पूरा और उस किसान आंदोलन को, किसानों को याद करें कि जो आपको ये भोजन देता है, जो आपके घर तक, जो खेत से और किचन तक का जो एक सफर भोजन तय करता है, तो एक दिन का हम उपवास रखेंगे और फिर एहसास करना कि किसान कितनी मेहनत से काम करता है, और ये एहसास उसको। राकेश जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील कीजिए कि ये उपवास सरकार में बैठे नेताओं मंत्रियों को भी करना चाहिए। नहीं नहीं, सबको करना चाहिए, अगर कोई भोजन ग्रहण करना है तो उसको जरूर करना चाहिए। नहीं नहीं, जिसको अपील नेताओं से भी तो कीजिए, क्योंकि कानून तो उन्होंने बनाए, उनको समझ में आया ना कि किसान कितना परेशान है। भाई 3 टाइम भोजन करते हो तो 1 टाइम छोड़ कर देखो, नहीं क्या कीमत। सवाल ये है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम किसानों के साथ खड़े, देशवासी भी कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े, अपील का आपको लगता है बहुत असर होगा? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने थाली बजाने के लिए कहा था, वहां तो जनता खड़ी थी उनके साथ। नहीं नहीं, अपील का होगा, अपील का होगा, लंच लोग नहीं करेंगे आज, बहुत लोग लंच नहीं करेंगे, और यहाँ पे लंगर पे क्या खाना बनेगा? नहीं नहीं, यहाँ तो बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये तो देश के लिए अपील है, ये तो अंदाजा है, कोई किस टाइम आ रहा, कोई 10 बजे आ रहा, कोई वहाँ होगा। राकेश जी, हमने कल देखा कई मुजफ्फरनगर से, कई बागपत से कई महिलाएं आई थी, महिलाओं का कितना अहम योगदान है, क्योंकि आज तो आपकी पत्नी सुनीता जी भी खुद आ रही है यहाँ पे। सरकार की एक कोशिश है, क्योंकि सतपाल सिंह जी आज किसानों से बातचीत करेंगे, सरकार भी अपनी तरीके से तमाम कोशिशें कर रही है, तो उस बातचीत को लेकर क्या कहिएगा? अभी करेंगे बातचीत, आज मीटिंग होगी, बात करेंगे। तो वहाँ पर किस लेवल की बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी, कोई अंदाजा कुछ आप बताएं? अभी देखेंगे बातचीत। नहीं, वहाँ पे मीटिंग नहीं, जो अपनी इंटरनल मीटिंग होती है उसमें जाएंगे, जो अपनी मीटिंग कोऑर्डिनेटर के। राकेश आप इसके हमें कुछ बता रहे थे, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत, जो किसान परिवार के लोग जो शहीद हुए हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं, पुलवामा में हो या दूसरी जगह के हो, तो ये सैनिकों के पूरे नाम, मैं कहूंगा अमित आप इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं, देखिए आप एक एक करके नाम जो है वो गुदवाए गए हैं, हमारे यहाँ पहले से गुदवाना कहते थे, वो किसान ही कर सकते, गुदवाए गए कि हाँ किसान ही कर सकते हैं। थोड़े से पीछे को बोलो भाई, ठीक है, तो देखिए पीछे नाम लिखे हुए हैं और हाथ में तिरंगा झंडा है, की मुहिम कितनी जोर पर चल रही है किसानों को मनाने की, लेकिन दूर दूर तक लग रहा है, यहाँ निकल जाए,
मनाना तो नहीं कोई यार, मनाने कहा तो बातचीत करनी है, तो बातचीत के लिए टाइम और सब टाइम और जगह आप बताएंगे राकेश जी? नहीं वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसान बताएं। नहीं नहीं सरकार बताएगी, लेकिन सरकार ने तो खुला न्योता दिया, सरकार ने तो कहा है कि किसान खुले दिमाग से विचार से आए, हमको टाइम बताएं जगह बताएं, हम मीटिंग के लिए तैयार। नहीं नहीं वही बताएंगे, जगह बताएंगे, अभी पहले भी तो उन्होंने जगह बताई। आप यहाँ से जगह, उनका घर है, अपने घर पर तो वही बताएंगे ना कहाँ आए हमें। आप राकेश जी हमारे चैनल के माध्यम से आप यहीं पर जगह बता दीजिए, समय बता दीजिए, मीटिंग फिक्स हो जाए। नहीं मैं तो फिक्की सभागार में कह रहा कि सब लोग आ जाएं, और फिक्की सभागार है जहाँ पे व्यापारियों को ये कहा कि किसान बिल बढ़िया है तो वहीं हम भी करवा दो भाई, हमारी जगह तो ये है कि फिक्की सभागार में करवा दो। कौन सी दिन कौन किस तारीख? वही बता दे, हम तो तैयार बैठे। तारीख आप बता दीजिए ना, सरकार तो रोज ही बैठक कर रही है, आप ही बता दीजिए। वही वही तय कर लेंगे, बता देंगे, वही तय कर लेंगे। तो राकेश एक बात बताइए, लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है सरकार का भी, आपको लगता है उससे कुछ हल निकलेगा, सरकार कुछ हल ढूंढ पाएगी किसान चौपाल से? अब पता नहीं, आ जाएंगे घूम फिर के। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।